इंदे आसिफ नवीद ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ बताइएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से मुतालिक ये फैसला हुआ है। देखिए जी आसिफ, अपडेट कीजिए। आसिफ से रीकनेक्ट। जस्टिस आमिर फरूक की सरबराही में दो रुकनी बेंच दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। 20 वकील फजल नूर है कि 20 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा लिया, सिर्फ दो ने क्वालिफाई किया। और वकील का यह भी कहना था कि 6 रुकनी कमेटी ने तहरीरी इम्तिहान पास करने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए और दरख्वास्त गुजार खातून इंटरव्यू के लिए बुलाए गए 2 उम्मीदवारों में से एक है। और वकील मजमूर का यह भी कहना था कि उम्मीदवारों के बेंच पार को पूरा न उतरने पर वजीर आजम की मंजूरी से तैनाती के लिए दोबारा इश्तिहार दिया गया और दोबारा तहरीरी इम्तिहान में भी दरख्वास्त गुजार खातून ने क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में हो चुका है। दोनों तहरीरी इम्तिहान में मेरी मोक्कल ने टॉप किया। तहरीरी इम्तिहान और चीज होती है और जुबानी इम्तिहान अलग होता है, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। काम बयान सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने इस दरख्वास्त पर जो है फैसला महफूज कर लिया है। आसिफ ये बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है, कब तक मुतवक्के है कि फैसला सुना भी दिया जाएगा? देखिए ये अदालत पे डिपेंड करता है। अमूमी तौर पर ऐसे केसों में जो उसी दिन फैसला सुना दिया जाता है, लेकिन अब एक अदालत पर निर्भर करता है कि अदालत के हवाले से तैयारी की करती है। काम इस हवाले से दलाल तकलीफी दलाल हुए तो दलाल सुनने के बाद फैसला महसूस किया और कभी जी। अच्छा आसिफ, चूंकि ये सेंसिटिव मामला है, सिन्फी इम्तियाज की बात हो रही है और हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से देखा जाता है कि खवातीन को उस तरह से इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं मिल पाती, तो सिविल सोसाइटी और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं इस केस को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सिन्फी इम्तियाज तो नहीं हो रही है, ऐसे इसे जो हमारे भाषण का ये कहना था कि हमारे मुल्क में इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए मूवी तौर पर, क्योंकि जिस वक्त भी तैनातियां होती हैं उसमें अगर ऐसा डीजी हज तैनाती के अमले में मुबैना तौर पर सिन्फी इम्तियाज के खिलाफ दरख्वास्त से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया गया है। आसिफ नवीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।